प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग कंक्रीट मटेरियल जो सब्जेक्ट था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस कंक्रीट मटेरियल सब्जेक्ट में, तो यहां पे आज का जो पहला क्वेश्चंस मैं यहां पे लेने वाला हूं, पहला क्वेश्चंस आपका यहां पे बोला जा रहा है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ राइस हक्स एस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के प्रॉपर्टी पे जो राइस हस्क एस होता है वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है। तो राइस हस्क एस्क को जो है शॉर्ट फॉर्म में RHA कहा जाता है। ये RHA जो होता है ये बाई प्रोडक्ट होता है आपका राइस, जो कि मिलिंग इंडस्ट्री से, आपको जो राइस मिलिंग इंडस्ट्री होता है वहाँ से हमें जो है प्राप्त होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है और ये यूज किया जाता है एज ए सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल इन कंक्रीट के में, जब कंक्रीट का प्रिपरेशन करते हैं तब। तो ये जो राइस हस्क एस होता है जो कि इनकॉर्पोरेशन होता है आपका इन कंक्रीट में, वो कई सारे इफेक्ट डालते हैं हमारे कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ पे, उसके कई सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या पोटेंशियल चैलेंजेस जो है देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला जो है वो है पोजलेनिक रिएक्शंस। एडवांटेज क्या है इसका कि ये इसमें क्या होता है कि सिलिका बहुत ज़्यादा होता है ना, इसमें सिलिका ज़्यादा होता है जो कि पोजलेनिक मटेरियल बनाने में मदद करता है और ये रिएक्ट करता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब जो पानी में प्रेजेंट होता है उसके साथ, जिसके कारण से जो पोजलेनिक रिएक्शंस होता है वो तेज़ी से होता है और कंक्रीट का स्ट्रेंथ हमें अच्छा मिलता है और कंक्रीट जो है ड्यूरेबिलिटी भी उसका अच्छा मिल जाता है। जिसके कारण से जब ये आता है, जब पोजलेनिक रिएक्शंस आपका होता है, तो इसके कारण से आपका जो है स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज होता है ना, स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तीसरा, रिडक्शन इन अल्कलीज रिएक्शन, अल्कली सिलिका रिएक्शन जो है आपका होता है। तो ये क्या करता है कि आपका जो कंक्रीट में रिस्क होते हैं आपके अल्कली सिलिका रिएक्शंस का, वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो ARS जो है ये क्या करता है, काउज करता है एक्सपेंशन और क्रैकिंग इन कंक्रीट ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन अल्कलीज इन सीमेंट एंड रिएक्टिव सिलिशियस या सिलिकस जो एग्रीगेट्स होते हैं वो। इसके अलावा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो भी आपका रिड्यूस होता है, वर्किबिलिटी जो होता है आपका कंक्रीट का वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण से कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी आपको इंक्रीज करता है, ऑलरेडी बता दिया। चैलेंजेस क्या होता है, तो आपका प्रॉपर तरीके से इसको केयरफुल सिलेक्शन करना होता है, प्लस क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी है, तभी जाकर हम अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम अच्छा क्वालिटी अगर यूज नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो कंक्रीट आएगा वो कहीं ना कहीं उसके स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट डालेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पॉलीमर कंक्रीट। क्या है, पॉलीमर कंक्रीट और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कंक्रीट। पॉलीमर कंक्रीट जो होता है एक ऐसा टाइप ऑफ कंक्रीट होता है जिसमें आपका पॉलीमर या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीमर होता है, जो कि एज ए बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे बाइंडिंग मटेरियल नॉर्मली क्या होता है, सीमेंट होता है, लेकिन सीमेंट ना यूज करके हम पॉलीमर का यूज करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए, जो कि रेनफोर्सिंग एंड बाइंडिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, जिसके कारण से हमारा मैकेनिकल, केमिकल और जो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है कंक्रीट का वो इन्हेंस करता है या इम्प्रूव होता है।
पॉलीमर कंक्रीट जो होता है ये यूज किया जाता है जहाँ पे कन्वेंशनल कंक्रीट जो है सब्सटेंसिबल इन केमिकल अटैक या कुरोजन या अदर हार्श इन्वायरमेंट कंडीशंस होता है उस कंडीशन में। क्लासिफिकेशन अगर बात किया जाए पॉलीमर कंक्रीट का तो बेस्ड ऑन पॉलीमर टाइप दो तरीके का होता है, एक आता है इपॉक्सी पॉलीमर कंक्रीट और दूसरा होता है मिथाक्राइलेट पॉलीमर कंक्रीट। बेस्ड ऑन पॉलीमर कंटेंट तो अगर एक्सीड 10% बाय वेट तो हमारा हाई पॉलीमर कंटेंट पॉलीमर कंक्रीट होता है, और अगर पॉलीमर का कंटेंट जो है लेस देन 10% है तो लो पॉलीमर कंटेंट पॉलीमर कंक्रीट जो है कहलाता है। बेस्ड ऑन एग्रीगेट टाइप्स पॉलीमर जो है दो तरीके का होता है, पॉलीमर मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट और दूसरा पॉलीमर इम्प्रिग्नेटेड कंक्रीट। बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस बात किया जाए तो पॉलीमर कंक्रीट ओवरलेज और दूसरा पॉलीमर कंक्रीट फॉर प्रीकास्ट एलिमेंट्स। एडवांटेज अगर बात किया जाए पॉलीमर कंक्रीट का तो केमिकल रेजिस्टेंस होता है ना, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, दूसरा हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तीसरा गुड इन ड्यूरेबिलिटी यानी ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है इन्हेंस करता है, और चौथा रैपिड क्यूरिंग आपका होता है। ओके, लिमिटेशंस अगर बात किया जाए तो पैसा थोड़ा ज़्यादा इसमें लगता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपका यूवी सेंसिटिविटी यानी यूवी रेडिएशंस जो कि सेंसिटिव होता है हमारा पॉलीमर बाइंडर्स, तो ये मतलब इसमें यूवी सेंसिटिविटी जो है देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लासिफिकेशन और पॉलीमर कंक्रीट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको जो है यहाँ पे बताया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो, अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि यहाँ तक डाउट्स हुआ है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। देखो जब तक आप हमें चैट बॉक्स में नहीं बताओगे हम आपका प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने डाउट्स को हमारे साथ शेयर करोगे तभी तो हम आपका मदद कर पाएंगे ना, है ना। चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिटर्मिनेशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको यंग्स मॉडुलस के नाम से भी जाना जाता है, ये मेजर करता है ऑफ स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल का। इन केस ऑफ कंक्रीट इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन अंडर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और एनालिसिस के लिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सैंपल तैयार करते हैं, है ना, जो कि सिलेंडर्स और क्यूब्स जो कि अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा। तो कंक्रीट का जो सैंपल हम लोग लेकर चलते हैं 150 × 150 × 150 का साइज का जो है आपका क्या होता है सैंपल का यानी क्यूब का जो है आपका साइज होता है, ये जो डायमेंशन होता है वो mm में आपका होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं इस मोल्ड में आपका इस तरीके का रहता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कंक्रीट को तीन लेयर में फिल करते हैं, ठीक है, तीन लेयर में फिल करते हैं जो क्यूब्स होते हैं उसको, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद कंप्रेशन टेस्ट जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है उसकी मदद से हम लोग जो है कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना लोड लगाने पे कितना डिफॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिला उसको रिकॉर्ड करते हैं, और किस लोड पे जो है हमारा स्पेसिमेन फेल हुआ है।
उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जो है हम लोग बनाते हैं, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व, और उसके बाद उन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, स्ट्रेन बाई स्ट्रेस का, तो वहाँ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारा निकल कर आ जाता है, और फाइनली रिपोर्ट हम दे देते हैं कि भाई इतना हमारा जो है ये आया। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है एक्सप्लेन अल्कली सिलिका रिएक्शन, एक्सप्लेन अल्कली सिलिका रिएक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंक्रीट इन सी वाटर। तो अल्कली सिलिका रिएक्शन क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है डैट कैन अकर इन कंक्रीट बिटवीन अल्कलाइन सब्सटेंसेस इन द सीमेंट पेस्ट एंड रिएक्टिव सिलिका प्रेजेंट इन सर्टेन एग्रीगेट्स। दिस रिएक्शन कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जेल लाइक सब्सटेंस कॉजिंग एक्सपेंशन एंड क्रैकिंग इन कंक्रीट ओवर टाइम। कंपोनेंट बात किया जाए तो इसका कंपोनेंट आता है अल्कलीज यूजुअली फ्रॉम सीमेंट, रिएक्टिव सिलिका इन सर्टेन एग्रीगेट और मॉइस्चर। जेल फॉर्मेशन जो रिएक्शंस होता है उससे प्रोड्यूस होता है जेल, जिसको एएसआर जेल के नाम से जाना जाता है। एएसआर का मतलब होता है अल्कली सिलिका रिएक्शन, एग्रीगेट प्रोन टू एएसआर यानी सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीगेट सच एज सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्टिव सिलिशियस एग्रीगेट जैसे ओपल, चर्ट्स, स्ट्रेंड, क्वार्ज, ये आपके क्या होते हैं, प्रोन टू पार्टिसिपेट इन अल्कली सिलिका रिएक्शंस। तो जो रिएक्शंस आपका होता है वो अकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज अल्कलिनिटी ऑफ सीमेंट, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ रिएक्टिव एग्रीगेट्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। इफेक्ट बात किया जाए तो ये इंड्यूस्ड होता है क्रैक, कैन कॉम्प्रोमाइज द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है, तो एग्रीगेट का सिलेक्शन अच्छे से करेंगे, वैसा एग्रीगेट चूज करेंगे जो कि नॉन रिएक्टिव हो। दूसरा सीमेंट का सिलेक्शन, उस तरीके का सीमेंट का सिलेक्शन करेंगे जिसमें अल्कली सीमेंट जो है कंटेंट वो कम हो। इसके अलावा लिमिट अल्कली कंटेंट, कंट्रोल करते हैं अल्कली कंटेंट को इन कंक्रीट मिक्स ताकि जो रिस्क है एएसआर का वो कम हो। इसके अलावा जो पोजलैनिक मटेरियल मिक्स किया जाता है उसको भी हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि जो इफेक्ट है हमारा एएसआर का वो कम हो सके। इसके अलावा सील कोटिंग जो है हम लोग इस पर अप्लाई कर देते हैं, है ना, ताकि जो एएसआर का जो इफेक्ट है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दें। कंक्रीट इन सी वाटर चैलेंजेस क्या होता है, पहला रेनफोर्समेंट में कोरोजन होना, दूसरा सल्फेट अटैक, तीसरा फ्रीज थ्रो एक्सपोजर्स और चौथा एब्रेशन देखने को मिलता है। कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो कोरोजन रेजिस्टेंट रेनफोर्समेंट का यूज करेंगे, दूसरा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मिक्स करेंगे, सरफेस क्वेटिंग करेंगे, प्रॉपर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर मेंटेनेंस करते रहेंगे ताकि किसी तरीके का कोई इफेक्ट हमारे उस कंक्रीट पे ना पड़े। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं और इसी के मकसद से हम लोग जो है प्रॉपर वहाँ पे काम करते हैं। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चंस है आपका, यहाँ पे अगला क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को डिफाइन करना है और क्लासिफाई करना है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट वैसा टाइप ऑफ कंक्रीट होता है जो कि पोजेस करता है एबिलिटी टू फ्लो और कंसोलिडेट अंडर इट्स ऑन वेट फिलिंग द फॉर्मवर्क अचीविंग फुल कॉम्पैक्शन विदाउट नीड ऑफ एक्सटर्नल वाइब्रेशंस। मतलब एक्सटर्नल वाइब्रेटर का यूज ना करें और
वो अपने वेट के कारण से हैं, इतना उसमें एबिलिटी हो फ्लो करने का और फॉर्म वर्क में प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो जाए बिना कोई वाइब्रेशन या वाइब्रेटर का, तो कहलाता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की जो वर्किबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो कि अलाउ करता है इट टू फ्लो इनटू इंट्रिकेट एंड कंजेस्टेड फॉर्म वर्क, रिजल्टिंग इन मोर यूनिफॉर्म एंड डेंस कंक्रीट विद रिड्यूस्ड वॉइड्स। मतलब उसमें जो वॉइड्स होता है बहुत ही कम होता है। तो जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होता है वो हाई वर्किबिलिटी होता है, विस्कोसिटी उसमें ज़्यादा होता है, कोर्स एग्रीगेट सस्पेंशन होता है, इसके अलावा उसमें वाइब्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लासिफिकेशन अगर बात किया जाए तो पहला आपका होता है कंपोजिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें पाउडर टाइप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, दूसरा विस्कोसिटी मॉडिफाइड एडमिक्सचर टाइप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर टाइप एंड विस्कोसिटी मॉडिफाइड एडमिक्सचर टाइप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। वर्कबिलिटी बेस्ड अगर बात किया जाए तो एल बॉक्स टेस्ट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट और जे रिंग टेस्ट एंड स्लम फ्लो टेस्ट, इसके बेसिस पे हम लोग जो है क्या करते हैं, जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होता है उसको क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा फिल एबिलिटी, पासिंग एबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन, जो कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका जो है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का क्लासिफिकेशन होता है। बात किया जाए सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, तो स्ट्रक्चरल, प्रीकास्ट और पम्प्ड जो है आपका क्लासिफाई किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर फिर भी किसी पॉइंट्स में आपको लगता है कि डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर बताएं, डेफिनेटली आपके हर डाउट्स को जो है सॉल्व किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा और आपके हर पॉइंट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी।